महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है। दरअसल हाल ही में एनसीपी के अजीत पवार सरकार में शामिल हो गए। इसके बाद अब मंत्रालयों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा। फिलहाल दो सबसे बड़े और जरूरी मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास हैं। ये दोनों मंत्रालय ऐसे हैं जिन पर लगभग सभी की नजरें रहती हैं। कहीं ना कहीं अजीत पवार की नजर भी इसी पर है, जबकि ये अभी फडणवीस के पास है। यहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की भूमिका भी अहम होगी कि वो इन मंत्रालयों को किसे सौंपना चाहते हैं। बता दें, सीएम एकनाथ शिंदे पहले ही कह चुके हैं कि महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इस विस्तार के साथ ही अजीत पवार को मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जाएगा, लेकिन अभी बात मंत्रालय को लेकर अटकी हुई है। सियासी खींचतान जारी है और अगर गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय में से कोई भी पवार को मिला तो ये फडणवीस के लिए झटका होगा। ऐसा माना जा रहा है कि अजीत पवार की सरकार में शामिल होने से मंत्री पद के बंटवारों में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये आशंकाएं जताई जा रही है कि बीजेपी हाईकमान देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाकर केंद्रीय कैबिनेट में कोई जिम्मेदारी देने की तैयारी में है। हालांकि इस पर कुछ भी स्पष्ट अभी नहीं कहा जा सकता। बता दें, अगर फडणवीस को किसी वजह से केंद्रीय कैबिनेट में कोई जिम्मेदारी मिलती है तो इसका सबसे बड़ा फायदा एकनाथ शिंदे को होगा। आने वाले दिनों में बीएमसी चुनाव, लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव होने हैं, जो महाराष्ट्र में तमाम सियासी दलों का भविष्य तय कर सकते हैं। इनमें अगर शिंदे गठबंधन को लीड करते हैं तो उनका कद और बढ़ेगा, लेकिन इसके लिए उनकी राह आसान नहीं होने वाली। मैं आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में दोनों नेताओं के बीच पावर टसल की खबरें भी सामने आई थी। बीते जून महीने में एक विज्ञापन की खूब चर्चा हुई थी। दरअसल महाराष्ट्र के अखबारों में विज्ञापन छपा था जिसमें देश के लिए मोदी और महाराष्ट्र के लिए शिंदे का नारा दिया गया था। अब माना जा रहा है कि इस विज्ञापन में फडणवीस और शिंदे के बीच शीत युद्ध को हवा मिली थी। हालांकि इस पर शिंदे ने साफ किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और दोनों नेताओं के बीच मनमुटाव नहीं है।